मणिपुर में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी अनुजा और बेटे अबीर का पार्थिव शरीर आज छत्तीसगढ़ लाया जाएगा। रायगढ़ के पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। उग्रवादी हमले में शहीद जवान राजेंद्र प्रसाद मीणा का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचेगा। मीणा राजस्थान के दौसा जिले के रहने वाले थे। पत्नी रामोती, 7 साल की बेटी काव्या और 5 साल के बेटे योगेश पर टूटा दुखों का पहाड़। मणिपुर में शहीद राइफलमैन सुमन स्वर्गियारी और श्यामल दास का पार्थिव शरीर भी आज उनके पैतृक गांव लाया जाएगा। स्वर्गियारी असम के बक्सा और श्यामल दास बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले। बिहार के गया में नक्सलियों ने एक ही परिवार के 4 लोगों की फांसी लगाकर जान ली। 2 घरों को डायनामाइट से उड़ाया। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। नक्सलियों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी। गढ़चिरौली में 50 लाख के इनामी नक्सली मिलिंद तेलतुबुंडे समेत 26 नक्सली ढेर। एडिशनल SP ऑपरेशन सौम्या मुंडे के नेतृत्व में 300 जवानों ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। पीएम मोदी आज सुबह रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। 25 फीट ऊंची होगी बिरसा मुंडा की प्रतिमा। प्रधानमंत्री मोदी का आज भोपाल दौरा। बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन में शामिल होंगे। जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू करेंगे। भोपाल में रानी कपलापति रेलवे स्टेशन सज धज कर तैयार। आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी कल यूपी के सुल्तानपुर में देश के सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 42,000 करोड़ की लागत से बने एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल के कई शहरों को फायदा होगा। उद्घाटन से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की ट्रायल लैंडिंग। वायुसेना के C-130 सुपर हरक्यूलिस समेत कई लड़ाकू विमानों को उतारा गया। गाजीपुर में अखिलेश यादव की विजय यात्रा को नहीं मिली इजाजत। कल अखिलेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते गाजीपुर से आजमगढ़ तक यात्रा करनी थी। बड़े बड़े बोल्डरों से एक्सप्रेसवे की बैरिकेडिंग की गई। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष का दावा, कहा अफवाहों पर ध्यान न दें। कल तय समय पर अखिलेश यादव का गाजीपुर में कार्यक्रम होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का श्रेय लेने की होड़। कल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक्सप्रेसवे पर करेंगे पुष्प वर्षा। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी झूठ बोलने में माहिर। 2022 में सफाया तय है, सिर्फ हमारे कामों का उद्घाटन हो रहा है। यूपी चुनाव में जिन्ना पर जुबानी जंग जारी। सीएम योगी बोले, जिन्ना भारत के लिए खलनायक ही रहेंगे। सरदार पटेल की तुलना अगर कोई जिन्ना से करने लगे तो ये वोट बैंक की निकृष्ट राजनीति होगी। लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण सम्मेलन में सीएम योगी ने कहा, ब्राह्मण का मतलब संस्कार, संस्कृति और धर्म से है। वो कष्ट भोगते हैं लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने देते। अखिलेश यादव का अमित शाह को जवाब, कहा जैम का मतलब झूठ, अहंकार और महंगाई। आजमगढ़ में शाह ने कहा था, जैम का मतलब जिन्ना, आजम और मुख्तार। आजमगढ़ में अमित शाह के बयान पर बोले AIMIM के प्रमुख ओवैसी, कहा हम तो टोस्ट पर जैम लगाकर खा लेते हैं, आप कौन से जैम की बात कर रहे हैं। उनको हर बात में आजम खान याद आते हैं, क्या बिना मुसलमानों का नाम लिए रात में नींद नहीं आती। बलिया में बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह का ओवैसी पर विवादित टिप्पणी, कहा ओवैसी प्रजातंत्र के आतंकवादी हैं। इस समय भारत की राजनीति में जिन्ना का दूसरा रूप ओवैसी ही है। उन्होंने भारत के विभाजन के लिए राजनीति करनी शुरू की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज यूपी के मुरादाबाद में पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन को संबोधित करेंगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बुलंदशहर में प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस किसी से गठबंधन नहीं करेगी, हम सभी सीटों पर मजबूती से अकेले चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। यूपी में असली लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, SP BSP कहीं नहीं। यूपी चुनाव की तैयारियों को लेकर सीएम योगी के आवास पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। बीजेपी की घोषणा पत्र समिति का गठन। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को समिति के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद बृजलाल समिति के उपाध्यक्ष होंगे। वाराणसी से 108 साल पहले चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को आज काशी विश्वनाथ मंदिर में दोबारा स्थापित किया जाएगा। सीएम योगी करेंगे अगवानी। और आइए कुछ और अहम खबरों पर अपडेट आपको दे देते हैं फटाफट अंदाज में।
फिल्म अभिनेता नहीं लड़ेंगे पंजाब विधानसभा चुनाव, कहा बहन मालविका सूद मोगा से लड़ेंगी चुनाव। सोनू सूद ने पार्टी के नाम का अभी खुलासा नहीं किया है। पंजाब बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा पंजाब में बीजेपी मजबूती के साथ सभी 117 सीटें पर चुनाव लड़ेगी। नड्डा से पहले पीएम मोदी से मिले पंजाब बीजेपी के नेता। गुरु नानक देव की जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग उठाई। आज राष्ट्रपति और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे। चंडीगढ़ में सीएम चन्नी से कांग्रेस सांसद परनीत कौर और पटियाला के मेयर संजीव शर्मा ने मुलाकात की। मेयर ने कहा कोई राजनीति चर्चा नहीं हुई है, पटियाला में डेयरी शिफ्ट करने के प्रोजेक्ट पर हुई है बात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिन का उत्तराखंड दौरा। विधानसभा की कोर ग्रुप की बैठकों में हिस्सा लेंगे। प्रभारियों के साथ चुनाव की रणनीति पर भी होगी चर्चा। देहरादून में धूमधाम से मनाया गया इगास त्योहार। इस दौरान उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य ढोल दमाऊ पर जमकर नाचे वन मंत्री हरक सिंह रावत। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की सफाई के बावजूद किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर बढ़ता विवाद, कई जगह विरोध। तो दिल्ली के कोर्ट में किताब के खिलाफ दाखिल हुई अर्जी। यूपी के इटावा में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की शव यात्रा निकालने पर हिंदूवादी संगठनों और कांग्रेस नेताओं ने में जमकर मारपीट हुई। खुर्शीद का पुतला भी फूंका गया। धरने पर बैठे कांग्रेसी नेता। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का एक बार फिर हिंदुत्व के बहाने बीजेपी पर पलटवार, कहा बीजेपी के लिए हिंदू धर्म आस्था का प्रश्न नहीं बल्कि राजनीति का हथियार है। हिंदुत्व शब्द का जिक्र किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कंगना रनौत से पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने की अपील की। शहीदों के अपमान पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की भी मांग की है। दिल्ली एनसीआर में बढ़े प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। सीजेआई ने शनिवार को दिया था लॉकडाउन का सुझाव, कहा जरूरत पड़े तो 2 दिन का लॉकडाउन लगाएं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अभी बेहद खराब। आईटीओ और आनंद विहार में एक यूआई कल भी 400 के पार रहा। नोएडा गाजियाबाद में भी बुरा हाल। बढ़े प्रदूषण की वजह से आज से दिल्ली सरकार के कर्मचारी 1 हफ्ते तक घर से करेंगे काम। स्कूल भी 1 हफ्ते के लिए बंद। ऑनलाइन क्लास चलेंगी। 17 नवम्बर तक निर्माण कार्य बंद। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली के बाद हरियाणा सरकार का फैसला। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जिले में 17 नवंबर तक रहेंगे स्कूल बंद। सभी तरह के निर्माण कार्यों और पराली जलाने पर भी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के गंभीर हालातों के बावजूद पंजाब में जल रही है पराली। अमृतसर से आई तस्वीरें। किसान बोले हम पराली नहीं सरकार के अधूरे वादों की अर्थी जला रहे हैं। किसान आंदोलन पर बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल का बड़ा बयान, कहा किसानों का कोई मुद्दा नहीं है, मामला 2 घंटे में हल हो सकता है, आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। यूपी के हाथरस में किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को हिंदुस्तान की वैचारिक क्रांति बताया, कहा हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी तो हम घर चले जाएंगे, नहीं तो किसान वापस जाने वाले नहीं है। यूपी के लखीमपुर हिंसा मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। कोर्ट ने एसआईटी की जांच पर असंतोष व्यक्त किया था। निगरानी के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की नियुक्ति की बात कही थी। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 3 आरोपियों को जमानत अर्जी पर आज सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी। 3 नवम्बर को सुनवाई टल गई थी। क्रूज ड्रग्स से जुड़े वसूली मामले में अहम गवाह सैम डिसूजा से आज मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम पूछताछ करेगी। कल एनसीबी विजिलेंस की टीम ने सैम का बयान दर्ज किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी और गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की आज पेशी। ईडी रिमांड हो रही है खत्म। बिहार की मधुबनी में पत्रकार बुद्धिनाथ उर्फ अविनाश झा हत्याकांड में 1 महिला समेत 6 आरोपियों की गिरफ्तारी। पुलिस का दावा प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था हत्या का मामला। मधुबनी पत्रकार हत्याकांड पर तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, कहा बिहार में गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार चल रहा है, कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर साधा निशाना, कहा भाजपा सिस्टम पत्रकारिता की हत्या में जुटा हुआ है लेकिन झूठ के सामने सच। पीएम मोदी ने त्रिपुरा के 1,47,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त जारी की। बैंक खातों में सीधे 700 करोड़ रुपए भेजे गए। पीएम मोदी ने त्रिपुरा के लाभार्थियों से कहा गरीबों को उनका पूरा हक मिल रहा है, पहले कट कल्चर से काम होता था, अब नई सोच और नई अप्रोच के साथ हो रहा है काम। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में तिरुपति में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की हुई बैठक। 26 विषयों पर दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 4 घंटे तक चर्चा हुई।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ वर्चुअली होगी बैठक। सुधार केंद्रित कारोबारी माहौल बनाने और निवेश बढ़ाने के तरीकों पर बात होगी। आज हरियाणा में पेट्रोल के लिए तरस सकते हैं लोग। कमीशन बढ़ाने समेत तीन मांगों को लेकर प्रदेश के सभी पेट्रोल वालों की 24 घंटे की हड़ताल। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली ट्रेड फेयर में हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। प्रगति मैदान में कल से शुरू हुआ ट्रेड फेयर जो 27 नवंबर तक चलेगा। दिल्ली के आजादपुर में रसोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंचे मंत्री गोपाल राय, घायलों की हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। कल हादसे में घायल हो गए थे 17 लोग। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,271 नए केस आए सामने, 285 लोगों की मौत। कुल एक्टिव केस घटकर 1,35,918 हुए। सूत्रों के मुताबिक देश में अभी केवल वयस्कों को लगेगी जायडस कैडिला की वैक्सीन, 12 से 18 साल वालों को करना होगा थोड़ा और इंतजार। 1 करोड़ डोज के लिए दिए गए हैं ऑर्डर। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1,12,00,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 57,43,840 डोज लगाए गए। ओडिशा की कटक की 63 साल की मिनाती पटनायक की हर तरफ हो रही है चर्चा। रिक्शा चालक को दान कर दी 1 करोड़ की अपनी पूरी संपत्ति, कहा निस्वार्थ सेवा की इसलिए ऐसा किया। अरुणाचल की सीमा पर चीन के गांव बसाने की खबरों पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा अरुणाचल में गांव बनाने की बात हो रही है, हम भी किसी से पीछे नहीं है, मैं कुछ बोलूंगा तो न्यूज बन जाएगी। ऑस्ट्रेलिया बना T20 वर्ल्ड कप का नया चैंपियन, फाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया, पहली बार T20 विश्व कप अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक जीत में मिचेल मार्श और ओपनर डेविड वार्नर की बड़ी भूमिका, मार्श ने 50 गेंद में नाबाद 77 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच बने वार्नर ने 53 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन ने 48 गेंद में 85 रनों की तूफानी पारी खेली लेकिन टीम को हार से नहीं बचा पाए, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को रौंद डाला। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की फिर बढ़ी मुश्किलें, मुंबई के बांद्रा थाने में दोनों के खिलाफ 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज, शिल्पा ने आरोपों को नकारा। ABP News आपको रखे आगे।